सरकारी बैठक कर रहे थे। इस दौरान हुए नाश्ते का बिल पास होने जब उनके पास आया तो उन्होंने इसे पास करने से मना कर दिया। उनका तर्क था कि सरकारी बैठकों में सरकारी खर्चे से सिर्फ चाय मंगाने का नियम है, ऐसे में सिर्फ चाय का बिल ही पास किया जा सकता है, नाश्ते का बिल नाश्ता मंगवाने वाले व्यक्ति को खुद देना होगा। यह सुन सभी अधिकारी चुप हो गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपनी जेब से रुपये निकाले और दे दिए। उन्होंने कहा, बैठक में नाश्ते भी मंगवाए गए हैं, नाश्ते का बिल मैं अदा करूंगा। नाश्ते पर हुए खर्चे को मैं सरकारी खजाने से चुकाने की इजाज़त कतई नहीं दे सकता। सरकारी खजाने पर हमेशा ही जनता और देश का हक है, हम मंत्रियों का नहीं। ऐसी सोच रखने वाले कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत थे। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के खुंट नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम श्री मनोरथ पंत था। मनोरथ पंत गोविंद के जन्म से 3 साल के भीतर अपनी पत्नी के साथ पौड़ी गढ़वाल चले गए। बालक गोविंद एक दो बार पौड़ी गए, लेकिन स्थायी रूप से वे अल्मोड़ा में रहे, जहाँ उनका लालन पोषण उनकी मौसी धनी देवी ने किया। गोविंद ने 10 वर्ष की आयु तक शिक्षा अपने घर से ही प्राप्त की। 1897 में गोविंद को स्थानीय रामजी कॉलेज में प्राथमिक पाठशाला में दाखिल कराया गया। 1899 में 12 साल की आयु में उनका विवाह पंडित बालादत्त जोशी की कन्या गंगा देवी से हो गया। उस समय वह कक्षा 7 में थे। गोविंद ने लोअर मिडिल की परीक्षा संस्कृत, गणित, अंग्रेजी विषयों में विशेष योग्यता के साथ प्राथमिक श्रेणी में पास की, जिसके बाद गोविंद इंटर की परीक्षा पास करने तक यहीं पर रहे। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और बीए में उन्होंने गणित, राजनीति और अंग्रेजी साहित्य विषयों को चुना। इलाहाबाद में गोविंद जी को कई महापुरुषों का निकटतम संपर्क मिला और साथ ही जागरूक, व्यापक और राजनीतिक चेतना से भरपूर वातावरण भी मिला। 1909 में गोविंद बल्लभ पंत को कानून की परीक्षा में विश्वविद्यालय से सबसे पहले स्थान पर आने पर लैम्सटन स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। साल 1910 में गोविंद बल्लभ पंत ने अल्मोड़ा में वकालत शुरू की। अल्मोड़ा के बाद पंत जी ने कुछ महीने रानीखेत में वकालत की और इसके बाद फिर पंत जी वहाँ से काशीपुर आ गए। उन दिनों काशीपुर के मुकदमे SGM की कोर्ट में पेश हुआ करते थे। यह अदालत ग्रीष्म काल में 6 महीने नैनीताल और सर्दियों में 6 महीने काशीपुर में रहती थी। इस प्रकार पंत जी का काशीपुर के बाद नैनीताल से संबंध जुड़ गया। श्री कुंज बिहारी लाल, जो काशीपुर के वयोवृद्ध प्रतिष्ठित नागरिक थे, का मुकदमा पंत जी द्वारा लिए गए सबसे पहले मुकदमों में से एक था। इसकी फीस उन्हें 5 रुपए मिली थी। 1909 में पंत जी के पहले पुत्र की बीमारी से मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद उनकी पत्नी गंगा देवी की भी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी आयु 23 वर्ष की थी। वह गंभीर और उदासीन रहने लगे और समस्त समय कानून और राजनीति को देने लगे। परिवार के दबाव पर 1912 में पंत जी का दूसरा विवाह अल्मोड़ा में हुआ। उसके बाद पंत जी काशीपुर आए। पंत जी काशीपुर में सबसे पहले नस्करी में नमक वालों की कोठी में 1 साल तक रहे। दिसंबर 1921 में वे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के रास्ते खुली राजनीति में उतर आए। 9 अगस्त 1925 को ककोरी कांड करके उत्तर प्रदेश के कुछ नवयुवकों ने सरकारी खजाना लूट लिया, तो उनके मुकदमों की पैरवी के लिए अन्य वकीलों के साथ पंत जी ने जी जान से सहयोग किया। उस समय वह नैनीताल से राजस्व पार्टी के टिकट पर लेजिस्लेटिव काउंसिलिव के सदस्य भी थे। वहीं साल 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल और उनके 3 अन्य साथियों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ वायसराय को पत्र भी लिखा, लेकिन गांधी जी का समर्थन ना मिल पाने से वे उस मिशन में कामयाब ना हो सके। 1928 के साइमन कमीशन के बहिष्कार और 1930 के नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया और मई 1930 में इसके चलते देहरादून जेल भी गए। वहीं 17 जुलाई 1937 से लेकर 2 नवंबर 1939 तक वे ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दोबारा उन्हें यही दायित्व फिर सौंपा गया और वे 1 अप्रैल 1946 से 15 अगस्त 1947 तक संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री रहे।
जब भारत वर्ष का अपना संविधान बन गया और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, तो फिर से तीसरी बार उन्हें ही इस पद के लिए सर्वसम्मति से उपयुक्त पाया गया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के नवनिर्मित राज्य के भी वे 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक मुख्यमंत्री रहे। वहीं आज ही के दिन 7 मार्च 1961 को गोविंद वल्लभ पंत जी की हार्ट अटैक के चलते मृत्यु हो गई। दोस्तों आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 7 मार्च की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 1875 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आज ही के दिन टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। साल 1977 में पाकिस्तान में 1970 के बाद पहले आम चुनाव और 1947 में पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार असैन्य शासन के तहत चुनाव कराए गए थे। आज के दिन साल 1987 में अमेरिका के मुक्केबाज माइक टाइसन ने 20 साल की उम्र में विश्व बॉक्सिंग संघ चैंपियनशिप बेल्ट हासिल किया। उन्होंने जेम्स स्मिथ को 12 राउंड में हराकर सबसे कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। वहीं साल 2003 में कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पर एवलांच की वजह से 17 मौतें हुई, जिसमें ज्यादातर सैनिक थे। इस दौरान हजारों विस्थापित हुए थे। वहीं आज ही के दिन साल 2008 में अंतरिक्ष यात्रियों ने मंगल ग्रह पर झील की खोज की थी। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।